दोस्तों अगर आप भी चेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से पुशअप्स लगाना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको पुशअप्स लगाने के अलग अलग तरीके जिससे आपको फायदा होने वाला है। आपको मिनिमम एक बार में 20 या 25 पुशअप्स लगाना है जिससे आपका चेस्ट तो अच्छा बढ़ेगा ही। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कि आखिर क्यों पुशअप्स लगाने के तरीके अलग अलग है और लोग क्यों अलग अलग तरीके से पुशअप्स लगाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पुशअप्स होता है, पर इसके अलावा एक लेग को अप करके जैसे कि ऊपर की तरफ रख लिया, लेग हैंड की डिस्टेंस इतना रख लिया और लगाना स्टार्ट किया। दोस्तों जब लेग अप पे रखते हैं आप तो और पुशअप्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका ये जो सेंटर में जो डीप होता है, गहराई होती है, ये बढ़ती है और आपका चेस्ट थोड़ा सा ब्रॉड होने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। तो आपको ऐसे लेग को ऊपर करके पुशअप्स लगाना है। अब इसके अलावा कैसे लगाना है आपको पुशअप्स, एक पुशअप्स लगाने का तरीका नॉर्मल ये है, आप आपके हैंड की डिस्टेंस करीब रखें, लेग की डिस्टेंस दूर रखें और फिर लगाना स्टार्ट करें, नजर आपके सामने रहेगी। ये हो गए दो तरीके दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ही तरीके बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको चेस्ट अच्छे से बढ़ाना है तो आप डाइट थोड़ा अच्छे से बढ़ा लीजिए, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन अगर आप लेंगे अपनी डाइट में तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी, एक को आपको एनर्जी मिलेगी जिससे आपको वर्कआउट करने में मज़ा भी आएगा और आपको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आप कम से कम एक बार में 100 या 200 पुशअप जरूर लगाएं। जय हिंद।